इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि इंसेक्ट्स का पोलिनेशन के अंदर क्या रोल है यूजअली ओनली 0.5% परसेंट ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज जो हैं ये ह्यूमन बींग्स को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं उनकी वेलफेयर पे या ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे ज़्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं इनको हम हार्मफुल नहीं कह सकते दे यूजअली आर एडिंग क्वाइट Valuable services, commercial valuable products such as wax, honey, silk, and that has been produced by thousands of years by different species of insects, like silkworms they are producing silk or legs to hand, they are producing the leg that is used for uh, this in stationery and uh, for other purposes. So insects ko hum nahi sakte liye harmful bhi hai. Liye beneficial. Bhi hai, or they have been providing different kind of services to humanity also, and are contributing to the human welfare. Now insects, are, most important in pollination. Mein. Pollination, what is transfers of pollens? Pollens transfers jo hai, that is very important in agriculture. That is very important in aesthetic sense of insects. That is very important in providing food even to the. human being community अब approximately सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज जो हैं upon डिपेंड pollination द पोलनेशन इंसेक्ट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इनके दरमियान को एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और ये जब पोलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जितनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर बेटर होगी और इन टर्न दैट इज़ बेनिफिशल टू द ह्यूमन बिकॉज ऑल ओवर फूड डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर अब इसमें जो एनअल वैल्यू है इंसेक्ट पोलिनेटेड क्रॉप्स की दैट इज एस्टिमेटेड अबाउट नाइनटीन बिलियन डॉलर पर ईयर इन यूनाइटेड स्टेट्स इंसेक्ट पोलिनेशन जो है दैट इज ऑल्सो क्रूशल टू मोस्ट ऑफ द गार्डन्स इस सिंपल हम देखें बीज बटरफ्लाईज वेस्ट ये क्या करती हैं एक फ्लावर से उड़ते हुए दूसरे फ्लावर तक जाएंगी वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट करेंगी और ये नेक्टर को कलेक्ट करते हुए फिर नेक्स्ट जो है ये अगले ऑर्गेनिज्म तक पास ऑन करेंगी इस प्रोसेस में पोलन भी कलेक्ट होंगे एंड देन दे आर पोलन बॉडीज आर रब टू द फ्लावर वेयर दे नेक्स्ट गो आफ्टर फ्लाइंग ये पोलिनेशन दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन जो है इट इज़ यूजअली द फिनिना आर द प्रोसेस सिंस द टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑन दिस अर्थ और इसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स आप देखें यहाँ पे हनी बीज को सन फ्लावर से डिफरेंट किस्म के पोलनस जो हैं उनको कोलेक्ट करते हुए दिखाया गया है अब ये वर्कर्स जो हैं दे विल टेक दिस पोलन एंड विल गो बैक टू द कॉलोनीस

65% परसेंट जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन है दैट विल बी यूजुअली नॉट टेकिंग प्लेस एंड यूजुअली इन द नेचर द फिनोमेना ऑफ दिस स्टारवेशन एंड हंगर वट्सो एवर इज़ टेकिंग प्लेस जो वो इंसेक्ट्स जो पोलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहेंगे पोलिनेटर्स अब ये भी एक नेचर के अंदर है कि पोलिनेटर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो पोलिनेटर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो जो कि फूड की जो क्राइसिस है उसको ओवरकम करने में इम्पॉटेंट रोल प्ले कर सकता है